नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या बज में। और मैं आज आपको बताऊंगा गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच जो मैच होने वाला है शाम को 7:30 बजे से। तो आपको मैं थोड़ा सा वीडियो लेट आया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी मैं जो आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और बहुत जो भी मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा। और अभी मैं थोड़ा सा जल्दी से स्टैट और डाटा दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको अभी टीम दिखा दूंगा और आफ्टर टॉस आपको ग्रैंड लीग की टीम और हेड टू हेड की टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको स्टैट और डाटा दिखा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद आपको मैं टीम बता दूँगा। तो अभी देखो, स्टैट और डाटा में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना कैसे है। तो आप टेलीग्राम पर जाओ, सीधे वहाँ पर सर्च करो @SuryaBuzz11, आप लोग वहाँ से सीधे जुड़ सकते हो। या आप यहाँ से नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में टीम जाती है, कोई चार्ज नहीं ले जाता। बात करते हैं हम लोग मैच की। मैच है जो वो 7:30 बजे से आज ही है GT और DC के बीच में। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो जो यहाँ का पिच रिपोर्ट है वो आपको बैटिंग और कुछ स्पिनर बाद में थोड़ा सा गेम में आते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में बैट्समैन को अच्छा खासा हेल्प मिलता है। उसके बाद एवरेज फर्स्ट इनिंग के स्कोर बात करें तो 159 रन के आसपास यहाँ पे एवरेज रहता है फर्स्ट इनिंग का। उसके बाद देखो, चेजिंग टीम का 80% यहाँ पर रिकॉर्ड है, जो मतलब बैटिंग पिच है, अच्छी पिच है। और जो टीम सेकेंड डे में बैटिंग करती है उसको जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद देखो इंजरी की अपडेट बात करें तो एंगड़ी और मुस्तफ़ुर रहमान, सरफराज खान, ये सब आपको 3 दिन का अपना क्वारंटाइन ख़त्म कर चुके हैं, तो हो सकता है कि इन लोग को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसा कुछ भी होता है मैं बता दूंगा। ये हुआ आपको प्लेइंग 11 और पिछले मैच में इन लोगों का स्कोर आप लोग देख सकते हो। और मैं एक एक चीज़ अगर बताने लगूँ तो थोड़ा वीडियो लगभग जल्दी से ख़त्म करना है, तो ये चीज़ आप लोग देख लो। मेन अगर बैट्समैन ऊपर से सुमन गिल, मैथ्यू वेड, डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या पूरे ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं और 33 रन, 0 विकेट लिए थे। डेविड मिलर 30 रन, मैथ्यू वेड 30 रन और सुमन गिल 0 रन। लेकिन सुमन गिल जो हैं अच्छे बैट्समैन हैं, 0 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। बाकी इनके ऑलराउंडर टिवटिया, मनोहर, विजय शंकर इनके ऑलराउंडर हैं। राशिद खान, फर्गूसन, शामी, वरुण एरोन आपको उनके मेन बॉलर। मोहम्मद शामी ज़बरदस्त फॉर्म में थे और पिछले मैच में जिस तरह से वो लोग लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनको बॉलिंग थी, टॉप ऑर्डर को मतलब बिखेर के रख दिया उन्होंने, तो अच्छे फॉर्म हैं और अच्छा खासा कर सकते हैं। इनके अगर गुजरात टाइटंस के हम लोग बात करते हैं कि इनके अगर कौन हो सकते हैं आपको ओपन और डेथ बॉलर, तो मोहम्मद शामी, वरुण एरोन और फर्गूसन। उसके बाद दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की इस तरह से कुछ बन रही है और 38 रन, 0 विकेट। उसके बाद 48 ललित यादव, 48 रन, 0 विकेट, अक्षर पटेल 38 रन। ये दोनों पिछले मैच में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी और उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। टॉप ऑर्डर में पृथ्वी शाह, टीम शेफर्ड, मनदीप सिंह आएंगे, ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में और कभी भी प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि कैप्टन है। और शार्दुल ठाकुर, मुस्तफ़ुर रहमान के चांसेस हैं इस मैच में खेलने के। कुलदीप यादव 3 विकेट अच्छा किए पिछले मैच में। खलील अहमद भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। उसके बाद देखो ओपन और डेथ बॉलर की बात करें तो आपको शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, मुस्तफ़ुर रहमान। उसके बाद देखो ये चीज़ आप लोग देख लेना, ये जो मेन प्लेयर हैं और जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जो कौन कैसा खेलता है उसके बारे में मैंने लिख दिया और इसको आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आप लोग स्मॉल लीग खेल रहे हो तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन है, पंत, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और राशिद खान, ये आप लोग स्मॉल लीग के बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके बाद बात करते हैं ये तो मैथ्यू वेड, शेफर्ट, गिल और शंकर, ये लोग भी आपको बेस्ट आपको कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के। आप लोग इनको आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दो तीन या चार पाँच टीम बना रहे हो तो इसमें इन लोगों को ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करना, यूज़ करना, क्योंकि ये अपने आप में एक पावरफुल बैट्समैन है और आपको कभी भी आपको ग्रैंड लीग जिता के दे सकते हैं। ये चीज़ हो गई, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम लोग बात करते हैं टीम की, तो टीम कुछ इस तरह से, ऋषभ पंत और मैथ्यू वेड आपको बेस्ट ऑप्शन है। शेफर्ड खेलते हैं तो इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना और आपके अभी बेस्ट हैं। शाह खेलेंगे नहीं, उसके बाद भरत नहीं खेलेंगे, गुरबाज भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद बैटिंग की बात करें तो पृथ्वी शाह, गिल और मिलर अच्छा कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए और रन बना के दे रहे हैं। और मनदीप सिंह देखो मतलब अच्छे बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर संभाल सकते हैं, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि पंजाब से जब खेलते थे तो मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी बल्लेबाजी करते थे। उसके बाद कोई खेलेगा नहीं मनोहर को ग्रैंड लीग में, पावेल और वार्नर अगर खेलते हैं तो, वार्नर का वैसे चांस कम है, पावेल खेलते हैं तो उनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी मतलब अच्छे बैट्समैन हिट करते हैं। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल,
टेवटिया और विजय शंकर को और ललित यादव को ग्रैंडलिंग में जरूर आप लोग ट्राई करना। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल आपको स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देंगे। राशिद खान, मोहम्मद शामी, शार्दुल ठाकुर और आपको खलील अहमद। खलील अहमद की जगह आप लोग चाहो तो फर्गुसन या एंगड़ी में से कोई खेलता है तो एंगड़ी को भी आप लोग ले सकते हो। कुलदीप यादव भी अच्छा किए थे, इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं तो आपको डेथ ओवर में आएंगे और एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। अभी फिलहाल टीम कुछ इस तरह से बन रही है। अभी कैप्टन हार्दिक पांड्या है क्योंकि पूरे ओवर की बॉलिंग भी कर रहे हैं और कैप्टन है तो अपने आप को कभी भी प्रमोट कर सकते हैं। अभी मिडिल ऑर्डर में आएंगे। वाइस कैप्टन देखो पंत और वेड में से किसी एक को बना लेना, क्योंकि पंत भी देखो अच्छे हैं। अगर इनकी जिनकी बैटिंग पहले आती है उनको आप लोग बना सकते हो। पंत आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे और आपको कैप्टन है तो थोड़ी सी जिम्मेदारी से खेलेंगे। और उसके बाद मैथ्यू वेड की भी अगर देखो ये भी आपको विकेट कीपर करेंगे अपने टीम के लिए, तो दोनों लोग विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और ऊपर से आपको रन भी बना के दे सकते हैं। फिलहाल अभी ये टीम है और जो भी चेंज होगा मैं टेलीग्राम पे टॉस के बाद दे दूंगा आपको। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।